नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। जिले के सिरमौर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरा की महिला सरपंच अरुण कुमारी ने सचिव पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए 7 मार्च को भोपाल पहुंच मुख्यमंत्री निवास के सामने परिवार सहित आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। महिला सरपंच को पंचायत सचिव संदीप द्विवेदी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला ने बताया कि सचिव द्वारा गाली गलौज की जाती है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। 2022 में सरपंच निर्वाचित होने के बाद सचिव द्वारा आज तक पंचायत में घुसने नहीं दिया गया। सचिव आए दिन गाली गलौज करता है, धमकी देता, जिसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। आदिवासी महिला सरपंच ने कहा कि शिकायत के बाद भी सचिव नहीं बदला गया, जिस कारण उसका अत्याचार जारी। इसलिए अब भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास के सामने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करूंगी। क्या नाम है आपका और कहां से आई हैं? अरुण कुमारी, पिपरा। पिपरा सरपंच है आप? सरपंच जी। क्या समस्या है आपको? सेक्रेटरी हटाने का। पूरा बताएं, क्या है परेशानियां, क्या है पूरी घटना बताएं। मेरा राम कलेश, मैं अरुण कुमारी का पति हूं, सरपंच का, ग्राम पंचायत पिपरा से जनपद सिरमौर। 20 महीना होगा सेक्रेटरी नहीं हटाएं, हमको अंदर जाने भी नहीं देते। वो कहते हैं कि हम सेक्रेटरी नहीं, गुंडा भी हूं, और जो तुमका सरपंच हमारे लिए कुछ नहीं, उसको अनुतर बोलते हैं। तो मैं जनपद में दिया, कलेक्टर को दिया, सीओ को दिया, कोई सुन नहीं रहा। तो अब मैं भोपाल जा रहा हूँ मुख्यमंत्री के निवास के सामने, आप हत्या करवाऊँगा, अपना करूँगा, और हम पूरी समाज, हमारी परिवार भी करेगी, हमारा कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमको सेक्रेटरी दूसरा चाहिए। वो भ्रष्टाचार है, 50 लाख का हमारे पंचायत में घोटाला किया है। हमारे घर के सामने जो RCC है उसका पैसा निकाल लिया, एक पत्थर भी नहीं डाले, तोला सीमेंट नहीं डाला, ना कुछ ककड़ा भी नहीं डाला, पैसा निकाल लिया। 200 मीटर सेमरी में रामरक्ष दाहिया के घर के सामने से शेष मन सेन के घर तक 200 मीटर का पैसा निकाल लिया RCC का। और पिपरा में एक मेन रोड से राम लखन तिवारी के घर तक का पैसा निकाल लिया RCC का, एक भी कुछ नहीं किया।